दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। और जो है सुबह खबरों में कुछ इम्पोर्टेंट खबर छूट चुकी थी, उसके बारे में बात करेंगे। बीएड वाले जो है कक्षा 5 तक के शिक्षक बनेंगे या नहीं, फैसला एक सप्ताह में। मतलब एक कोर्ट केस पड़ चुका है कि इसमें बीएड योग्यताधारी जो है कक्षा 1 से 5वीं तक के जो शिक्षक बन सकेंगे या नहीं। कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक पद के लिए जो है परीक्षा में शामिल हुए 3.90 लाख इसमें जो बीएड अभ्यर्थी उत्तीर्ण थे, और रिजल्ट जो है जारी भी इनका होगा या नहीं, मतलब इनका रिजल्ट जारी होगा यानी एक सप्ताह में जो है निर्णय हो जाएगा। ऐसा जो है मेरा कहना नहीं है, ऐसा कैसा कहना है, जो बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी का कहना है कि आयोग और शिक्षा विभाग के जो अधिकारियों के बीच में जो बैठक में जो अंतिम जो है निर्णय हो जाएगा। और दरअसल पिछले जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में 1 से 5वीं तक के शिक्षक पद के बीएड योग्यता को जो है यहाँ पर बताया गया नहीं रखने के लिए जो है डीएलएड वालों ने जो है उन्होंने केस कर दिया था। तो अब देखते हैं क्या होता है, एक सप्ताह में आपको जो न्यूज़ मिल जाएगी। और चैनल पर अगर नए हैं तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कोर्ट की अपडेट सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और एक सवाल और दिमाग में बैठ रहा है कि हमारा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू में क्यों करा रहे हैं, तो रिजल्ट यहाँ पर लिखा हो सर्टिफिकेट जांच पर जो शिक्षा विभाग का सवाल, बीपीएससी ने चेताया नियम जाने पत्र ना लिखें। बीपीएससी के सचिव ने जो है विभाग के पत्र पर जो है आश्चर्य जताया गया, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये। और जो है बोला गया है कि जो है रिजल्ट के जो है पहले सर्टिफिकेट जांच क्यों, रिजल्ट जारी करने के बाद सर्टिफिकेट जांच होने और गलत पाए जाने की स्थिति में सीट खाली रहने की आशंका रहती है। यहाँ पर सीधी बात हो रही है जो बीपीएससी का अध्यक्ष महोदय जी है अतुल प्रसाद जी को यहाँ पर बताया गया है, तो इन्होंने इनके द्वारा बताया गया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो है डीबी पहले कराया जा रहा है। और जो है 69,000 शिक्षक भर्ती तो गई पानी में, यहाँ पर लिखा हुआ है बीएड डिग्री धारकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे शिक्षा मित्र। तो यह शिक्षा मित्र जो है कोर्ट पहुँच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर जो है बता दिया गया बीएड जो है डिग्री धारक हैं उनके खिलाफ जो है यहाँ पर शिक्षा मित्र कोर्ट जा चुके हैं। और जो है इसमें एनसीटीई का जो निर्णय आया था उसमें लिखा था अंतिम निर्णय कोर्ट का रहेगा 28 जून 2018 को जो है भर्ती 11 अगस्त को जो खारिज करने के बाद यहाँ पर बताया गया टीईटी पास जो है 45,000 जो शिक्षा मित्र हैं उनको जो है टेट पास हो गए पर ज्वाइनिंग नहीं मिली है उनको जो है, ये क्योंकि वो जो है मेरिट से बाहर हो चुके हैं, मेरिट जो है बाहर हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट अपडेट की ओर, बीएड जो है संयुक्त प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग 15 सितंबर से कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में बीएड जो है संयुक्त प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग जो है परिणाम घोषित करने के लिए यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बोला गया 15 सितंबर से होगी काउंसलिंग। एक तरफ जो है 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं शिक्षा मित्र, और दूसरी तरफ जो है शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय। उन्होंने कहा जो उसमें 6800 वैकेंसी चल रही थी कोर्ट केस में जो है हमको अंदर किया जाए और जो है बीएड वालों को बाहर करके हमारी भर्ती की जाए, ऐसा वे लड़के अनुमान कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, वो तो बात की बात है। यहाँ पर लिखा हुआ मुख्यमंत्री जी शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 83,000 युवा होंगे प्रशिक्षित, डिप्लोमा धारकों के साथ स्नातक को भी अप्रेंटिस का मौका दिया जाएगा। और जो है सोशल मीडिया साइटों पर जो है फेक न्यूज़ का बोलबाला, सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पे आ रही हैं। मैंने थंबनेल में लिखा कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यूपी में कोई घर नहीं बना पाएगा। अरे घर कैसे बना पाएगा भैया, 18% जीएसटी लग रहा है ना, जीएसटी 18% देना पड़ेगा, मतलब महंगा होगा घर बनाना। ईंटें मोरम बालू और जो गिट्टी 18% महंगी कर दी गई है, और यहाँ पर बताया गया है कि 7% तक जो पड़ सकती है निर्माण लागत। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये टैक्स चोरी पर 18%, अब घर कैसे बना पाया गरीब इंसान। वही मैंने कहा अब जो है घर इसमें यूपी में जो है कोई भी घर जो है नहीं बना पाया, क्योंकि 18% जीएसटी लग गया, ईंट मोरम बालू गिट्टी सब महंगा हो चुका है ये। और जो है लड़की लड़की शादी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले ही आ चुका, अगर आपको भी यकीन नहीं है तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। इसमें जो है समलैंगिक विवाह को परमिशन दे दी गई है, समलैंगिक विवाह को परमिशन दे दी गई है, तो मरने की ज़रूरत नहीं है। लिखा हुआ है कि लड़की कह रही है कि वह मेरी सहेली से शादी करेगी या नहीं तो वह मर जाएगी, मतलब अगर उन्हें शादी नहीं करी तो वो मर जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो है एडिट कॉलेज के अंतर्गत बम्पर भर्ती आने वाली है, क्योंकि नए चुनावी साल है, चुनावी साल में बम्पर भर्ती निकाली जाएंगी इसमें एडिट कॉलेज के अंदर, शिक्षक चपरासी बाबू चौकीदार सही पदों पर सरकारी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।